बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पायान, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज प्लान बनाया कि आप लोगों को अपना वॉकिंग ट्रैक दिखाता हूँ। कोई ऐसा है जो इतना कोई वेल डेकोरेटेड तो नहीं है जैसे शहरों में होता है, पार्कों में होता है। सिंपल सी एक पगडंडी है जिस पर मैं वॉक करता हूँ डेली, और अकेला ही होता हूँ, भटकी हुई रूह की तरह यहाँ पर चलता रहता हूँ। तो आपको दिखाते हैं, गांव से तकरीबन बाहर है, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे मेरे। तो 1.5 किलोमीटर का है, अकेले ही मैं इस पर घूमता रहता हूँ। तो आपको बैक कैमरे से मैं फिर दिखाता हूँ ये इसकी सेटिंग कैसी है। ये जनाब, कुछ दिन पहले कोई आंधी तूफान आया है, तो उस वजह से ये दरख्त जो है ये गिर गया है। काफ़ी तेज़ तूफानी बारिश हुई है जिसकी वजह से ये काफ़ी पुराना दरख्त था, तो उस वजह से फिर ये गिर गया है। ये जनाब आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, पंजाबी में से हम बन्ना कहते हैं, उर्दू में भी अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद पगडंडी कहते हैं इसे। तो ये जनाब पगडंडी है जो कि जिसको मैंने अपना वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। इस पे डेली मैं आके तकरीबन वॉक करता हूँ, एक दो दफ़ा आता जाता हूँ, 2-3 किलोमीटर वॉक हो जाती है। और है बड़ी सुनसान सी जगह पर, कई दफ़ा इंसान को फील होता है कि इंसान को अकेला होना चाहिए। मतलब कई दफ़ा बंदे का दिल करता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे ना कोई ना बुलाए, ना मुझसे कोई बात करे। तो यहाँ पे आके कुछ ऐसा ही फील होता है। यहाँ पे आपको कुछ इसी तरह की आवाज़ें आएंगी, कबों की आवाज़ आएगी, परिंदों की आवाज़ आएगी, और इवन के खामोशी की आवाज़ आएगी आपको। तो इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग क्या है, सड़क गुजरती है पास से। इस वक्त मैं तकरीबन 3-4 गांव हैं उनके दरमियान खड़ा हूँ। तकरीबन 1-1 किलोमीटर तक भी कोई इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं, तो बाहर ज़मीनों में खड़ा हूँ, फसलों में। अभी आपको ये मेरे पीछे बंजर ज़मीनें नज़र आ रही हैं, लेकिन इनफैक्ट जब फसलों का मौसम होता है तो यहाँ पर अच्छी खासी हरियाली होती है। आई विल कीप इन माइंड कि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे गंदम जो है वो काश्त की जाए, उस वक्त भी मैं व्लॉग बनाऊँगा, और फिर इस व्लॉग का लिंक उस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूँगा, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो पगडंडी मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, इस वक्त तो इसके इर्द गिर्द कोई इतनी हरियाली नहीं है, बंजर ज़मीनें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दरखेज़ ज़मीनें हैं, और यहाँ से बहुत सी फसलें जो हैं वो हम लोग काश्त करते हैं। तो तकरीबन 1.25 किलोमीटर हो चुका है, मेरे पीछे आपको गांव नज़र आ रहा होगा, और इस वक्त ये आगे सड़क आ रही है, सड़क के आगे फिर गांव है 3-4, इस तरफ जंगल है, जंगल की सैर भी कभी आपको करवाएंगे। सूरज बाबा अभी डूब गए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, 2-3 दिन पहले अच्छी खासी जो है ना वो तूफ़ानी बारिश हुई है, दरख्त भी गिरे हैं, मैंने पीछे आपको दिखाया है, और मौसम काफ़ी हल्का हो गया। पहले तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, जुम्मे वाले दिन जिस दिन मैं रोहतास गया था उस दिन तो ठीक ठाक टका के गर्मी पड़ी है, लेकिन यह है कि अब जब बारिश हुई है तो मौसम कदरे बेहतर हो गया। हम में से जो लोग गांव विज़िट कर चुके हैं उनको पता होगा गांव में कुछ ही खेल होते हैं, और गाँव के बच्चे बुज़ुर्ग जो हैं वो एक जगह खड़े होकर वो खेलते हैं। तो अभी इस वक्त यहाँ पर एक कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो आपको वॉलीबॉल की गेम दिखाते हैं कि इस वक्त गांव में जो ज़्यादातर लोगों का शुगर मिला था वो यही होता है। तो वॉलीबॉल का खेल आपको दिखाते हैं, आउट
उम्मीद है जी आपको ये खेल पसंद आया होगा। इनके खेल से ज़्यादा इनकी कमेंट्री सुनने वाली होती है। हम लोग तो नेटिव पंजाबी हैं, हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर कोई मम्मी डैडी मोल का बर्गर किस्म का बच्चा ये सुने तो यकीन करें वो हंस हंस के पागल हो जाए। इतनी फ़नी कमेंट्री होती है, मज़ा आ जाता है सुन के। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्री है चैनल, फ्री सब्सक्राइब होता है, तो कर दें और वीडियो का भी लाइक कर दें। टाटा बाय बाय।